हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मॉरल वैल्यू ऑफ क्लास सेकंड। इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, यू हैव टू ओपन योर बुक एंड लिसन टू मी केयरफुली, सो लेट्स कंटिन्यू। सो डियर स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट इन माय प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड लेसन नंबर 5 मींस हार्ड वर्क, एंड ऑल्सो वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन। But today we are going to start lesson number 6, which name is being punctual, means समनिष्ठ होना, ठीक है, या समय का पाबंद होना, ठीक। जैसे बच्चों यहाँ पर कहा गया है, आर यू पंचुअल, क्या आप समनिष्ठ हो, क्या आप समय के पाबंद हो। Who says why are you late, कौन कहता है कि तुम लेट क्यों हो। What is the name of the man, व्हाट इज द नेम ऑफ द मैन, उस व्यक्ति का क्या नाम है। व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी, ऑफ द स्टोरी, और इस कहानी का क्या मोरल है, ठीक है, इस कहानी से क्या शिक्षा प्राप्त होती है। तो देखेंगे इस लेसन में, पहले इस लेसन को पढ़ते हैं फिर बात करते हैं। तो बच्चों कहा गया है, वंस अपॉन ए टाइम, यानी एक समय में, देयर वॉज मैन, यानी एक समय एक व्यक्ति था, हिज नेम वॉज मिस्टर राम, उसका नाम राम था, इन ए स्मॉल टाउन, ही वॉज डूइंग जॉब इन द ऑफिस, यानी एक स्मॉल टाउन में वह एक ऑफिस में क्या करता था, जॉब करता था, नौकरी करता था। ही वॉज ट्रीटेड हिम बैडली बिकॉज ही वॉज ऑलवेज लेट फॉर ऑफिस। तो बच्चों हिज बॉस, उसका जो बॉस था, ट्रीटेड हिम, उसको ट्रीट करता था बैडली, यानी बुरे तरीके से, बिकॉज ही वॉज ऑलवेज लेट फॉर ऑफिस, क्योंकि वह हमेशा ऑफिस के लिए लेट हो जाता था। सो हिज को एम्प्लॉयज कॉल्ड हिम लेट लतीफ। तो बच्चों जो उसके सहकर्मी थे, कॉल्ड हिम, उसको बुलाते थे लेट लतीफ, क्या बुलाते थे, लेट लतीफ। तो बच्चों उसका नाम जो है, उसकी जो सहकर्मी थे, साथ काम करने वाले कर्मचारी थे, उन्होंने उसका नाम जो है लेट लतीफ रख दिया। मंडे इन द मॉर्निंग, सोमवार की सुबह में, मिस्टर राम वाज लेट फॉर ऑफिस, यानी जो मिस्टर राम वाज लेट फॉर ऑफिस, यानी ऑफिस के लिए राम लेट हो गया। एंड ऑल एम्प्लॉयज वर प्रेजेंट इन द ऑफिस फॉर ए इम्पोर्टेंट मीटिंग, और सभी कर्मचारी वर प्रेजेंट, उपस्थित थे इन द ऑफिस, ऑफिस में या कार्यालय में, फॉर एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, एक आवश्यक मीटिंग के लिए। तो बच्चों एक दिन जो है, सोमवार की सुबह को, राम ऑफिस के लिए लेट हो गया और सभी कर्मचारी ऑफिस में उपस्थित थे एक महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए। आगे देखेंगे, द होल ऑफिस हैड टू वेट फॉर मिस्टर राम। तो बच्चों पूरा ऑफिस, पूरा कार्यालय प्रतीक्षा कर रहा था राम की। His boss asked him, उसके बॉस ने उससे पूछा, His boss asked him, उसके बॉस ने उससे पूछा, Mr. Ram, why are you late? आप लेट क्यों हो। Mr. Ram was silent, लेकिन राम साइलेंट था। He did not give any answer, उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया। He did not give any answer, उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया। बॉस आस्क्ड अगेन, लेकिन बॉस ने दोबारा पूछा, टेल मी व्हाई, बताओ क्यों। मिस्टर राम ने कहा, सर आई कुड नॉट फाइंड माय ऑफिस फाइल इन द मॉर्निंग। तो बच्चों राम ने क्या कहा कि सर मैं मॉर्निंग में अपनी ऑफिस की फाइल नहीं ढूंढ सका। आई लुक्ड फॉर इट एवरीवेयर, मैंने इसको जहां तहां देखा, इन द हाउस, घर में, वट आई कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन मैं उसको ढूंढ नहीं सका। तो बच्चों आई फाउंड इट इन द बैग ऑफ माई डॉटर, यानी मुझे यह है मेरी डॉटर की, यानी मेरी बेटी की बैग में मिली। तो बच्चों वह कह रहा था कि मैं, सर मैं मॉर्निंग में अपनी ऑफिस फाइल नहीं ढूंढ पाया, मैं इसको घर में जहां तहां देख रहा था और मैं फाइल नहीं ढूंढ पाया, और मैंने इसको अपनी बेटी के बैग में पाया। माई यंगर डॉटर पुट इन देयर, मेरी छोटी बेटी ने इसको वहां रख दिया था। आफ्टर फ्यू डेज लेटर, और कुछ दिनों के बाद,
मिस्टर राम वाज अगेन लेट फॉर ऑफिस। राम फिर से ऑफिस के लिए लेट हो गया। नाउ मिस्टर राम टोल्ड अनदर स्टोरी। अब राम ने एक दूसरी कहानी सुनाई। मिस्टर राम सैड, राम ने कहा दैट ही कुड नॉट फाइंड हिज ऑफिस वैग। बच्चों राम ने कहा दैट ही कुड नॉट फाइंड हिज ऑफिस वैग इन वैग दिस मॉर्निंग, कि वह आज सुबह अपना ऑफिस वैग नहीं ढूंढ पाया। वेयर डिड यू फाइंड देन? तो बच्चों उसके बॉस आस्क्ड द बॉस, उसके बॉस ने कहा तो फिर तुमने उसको कहाँ ढूंढा, या फिर बॉस ने कहा कि तुमको यह कहाँ मिला। एट लीस्ट आई फाउंड इट अंडर द बेड। तो उसने कहा बच्चों कि मैं ने इसको बेड के नीचे पाया। ऑल एम्प्लॉयज लॉग्ड एट द एज हिज आंसर। तो बच्चों ऑल एम्प्लॉयज सभी कर्मचारी लॉग्ड हंसे एट हिज आंसर उसके उत्तर पर। तो बच्चों सभी कर्मचारी उसके उत्तर पर हंसे क्योंकि उसने कहा था कि मेरा जो ऑफिस बैग है वह बेड के नीचे पड़ा हुआ था। तो मिस्टर राम वाज अशेम्ड ऑफ हिज एक्सप्लेनेशन। तो बच्चों राम जो है अपनी इस एक्सप्लेनेशन के लिए क्या हुआ, शर्मिंदा हुआ। द बॉस सैड, बॉस ने कहा मिस्टर राम दिस इज नॉट ए गुड हैबिट, कि राम यह एक अच्छी आदत नहीं है। यू मस्ट पुट योर थिंग एट प्रॉपर प्लेसेस, एट प्रॉपर प्लेस यानी यू मस्ट पुट योर थिंग्स, आपको अपनी वस्तुएं रखनी चाहिए एट प्रॉपर प्लेस उचित स्थान पर। यू विल नॉट वेस्ट योर टाइम सर्चिंग देम इन द मॉर्निंग। यू विल नॉट वेस्ट यानी तुम अपना समय बर्बाद नहीं करोगे इन सर्चिंग देम इन द मॉर्निंग यानी इन चीजों को सर्च करने में सुबह को। मिस्टर राम वाज अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, राम अपने आप में शर्मिंदा हुआ। ही डिसाइडेड, उसने तय किया टू फॉलो द बॉस एडवाइस, अपने बॉस की एडवाइस को फॉलो करने का। तो बच्चों उसने अपने बॉस की एडवाइस को क्या किया, फॉलो करने का तय किया। नाउ ही इज पंचुअल इन एवरीथिंग। बच्चों अब वह सभी कुछ में क्या हो गया, पंचुअल हो गया, समयनिष्ठ हो गया। एवरीबडी शुड बी पंचुअल यानी प्रत्येक को जो है पंचुअल होना चाहिए, समयनिष्ठ होना चाहिए। बिकॉज इट इज द की टू सक्सेस, क्योंकि बच्चों यह चाबी है सफलता की। तो बच्चों समय का पाबंद होना ही सफलता की चाबी है। तो बच्चों आज हमने आपको पढ़ाया था कि बीइंग पंक्चुअल, कैसे हमें जो है समयनिष्ठ होना चाहिए, ठीक है। इसमें आपको बताया गया कि कैसे एक व्यक्ति रहता था और वह व्यक्ति जो है हमेशा ऑफिस में लेट होता था, जिस कारण ऑफिस में उसको डांट पड़ती थी। और यदि उसका बॉस उससे कुछ पूछता था कि आप लेट क्यों हो, तो वह तरह तरह की कहानियां बनाकर सुनाता था, ठीक है। तो लेट होना एक बुरी बात है। हमें अगर हम स्कूल जा रहे हैं या कहीं ऑफिस जा रहे हैं तो हमें टाइम से जाना चाहिए। कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी एक टाइम टेबल होना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। क्योंकि यदि हम समय को बर्बाद करते रहेंगे फालतू कामों में, ठीक है, इधर उधर की चीज़ों को ढूंढने के लिए, ठीक, तो जो है हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि तो बच्चों हमें जो है अपनी सभी वस्तुओं को उनके उचित स्थान पर रखना चाहिए, जिससे हम उनको ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट ना करें, ठीक। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस कहानी से शिक्षा ये मिलती है कि हमें पंचुअल होना चाहिए, हमें समयनिष्ठ होना चाहिए, ठीक है ना। तो बच्चों आज हमने लेसन नंबर 6 का जो मीन था वो आपको पूरा क्लियर करा दिया है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन की एक्सरसाइज के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।